इंटीजर, इंटीजर हम लोग एड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई पढ़ चुके थे। अब अच्छा तुम्हारा डिवाइड, सेम डिवाइड में भी तुमको कल जो बताया थे वही काम करना है कि अगर तुम्हारे पास माइनस और माइनस दोनों माइनस हो तो साइन को प्लस कर देना, अगर एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस, माइनस प्लस हो तो माइनस, अगर दोनों प्लस हो तो तुम प्लस कर देना, ठीक है। ये तुमको साइन दिमाग में रखना है और इसमें अब कुछ है नहीं, जैसे अगर मान लो लिखा हुआ 65 बाई माइनस 30, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 65 डिवाइडेड बाई माइनस 30, एक माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस, 65 को 30 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 5, 65 को 30 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 5। उसी तरीके से अगर दिया हुआ है मान लो कि माइनस, ये मान लो 1, ये 2, माइनस 23 बाई माइनस 23, यहां पर माइनस 23 डिवाइडेड बाई माइनस 23, दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस दोनों जगह तो क्या कर देंगे प्लस, तो हम लोग साइन देंगे प्लस का, और 23 को 23 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 1, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो 1, यहां पर आपका आ जाएगा आंसर 1। सिमिलर वे में अब दो तीन और क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कि दिया हुआ है माइनस 105 बाई माइनस 21, यानी कि माइनस 105 डिवाइड में माइनस 21, साइन क्या हो जाएगा प्लस, 105 को 21 से डिवाइड करेंगे 5, होता है ना, 105 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में हो जाएगा ना 105, इसका आ जाएगा 5, साइन क्या देंगे प्लस का, दो माइनस है ना तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, ठीक ना, क्लियर यहां तक। चलो अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देखो, फटाफट ऑब्जेक्टिव तुम लोग बोलना, देखो 72 डिवाइडेड बाय माइनस 4 है ना, सबसे पहली बात है कि यहां पे साइन पहले सोचो, ये प्लस है, यहां पे क्या साइन देखिए ये माइनस हो जाए, इस तरफ लाना है आपको माइनस, इस तरफ का तुमको साइन देखना है, इधर लाना है तुमको क्या माइनस, उसमें से एक दिया हुआ प्लस तो ये वाला साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस लाना है एक प्लस है तो दूसरा को माइनस, यहां पर माइनस। अब 72 में कितना से डिवाइड करें ताकि मेरा 4 आ जाए, 72 को कितना से डिवाइड करें, तो अगर 72 को पता नहीं चले कि कितना से डिवाइड करें 4 आए तो तुम ऐसे भी कर सकते हो 72 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना 18, यहां पर आ जा 18, अब चेक कर लो 72 डिवाइड बाय 18 4 होता है ना, वैसे ही मान लो कि यहां पर दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 25 जीरो, 25 को किस नंबर से डिवाइड करें तो जीरो आए, जीरो, जीरो को तुम किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे वो जीरो ही होगा, तो यहां पे आपको लिखना होगा जीरो, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे आपका जीरो आएगा। उसी तरीके से 39, मान लो यहां पर लिखा 39 डिवाइडेड बाय क्या, ताकि माइनस 1 आए,
तो पहला बात तो तुमको पता होना चाहिए कि किसी नंबर को जब उसी नंबर से किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वन आता है, लेकिन शर्त यह कि यहाँ पे माइनस वन है, तो जब एक प्लस है यहाँ पर माइनस लेना होगा तभी तो लास्ट में माइनस होगा ना, तो यहाँ पर हमको लेना होगा माइनस, और 39 है तो एक लाना है तो यहाँ भी 39, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है जिसको माइनस फोर से डिवाइड किए तो 24 आ गया, अब 24 आ गया इसका मतलब देखो यहाँ पर प्लस आ गया, इधर है प्लस तो इधर प्लस है, तो इसका मतलब दो चीज है, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस, तो देख रहे एक माइनस है तो दूसरा भी क्या होगा माइनस, एक माइनस है तो दूसरा माइनस होगा तभी प्लस होगा। अब किस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो 24 आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, ये डिवाइड है, डिवाइड को अगर उस तरफ ले जाएगा तो अगर ये डिवाइड रहता है उसको उधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो रफ में आप सोचिएगा तो 24 × 4 तो 96, यहाँ अगर डिवाइड उधर गया तो यहाँ हो जाए 96, जब 96 को 4 से डिवाइड करें 24 आएगा, बाद में एक बार तुम चेक भी कर लेना, ठीक ना। वैसे ही अब आपका है डिवाइडेड बाय माइनस वन इक्वल्स टू 36, बताइए तो सबसे पहले साइन प्लस है, प्लस है तो प्लस मतलब दोनों प्लस होना चाहिए, एक माइनस है तो दोनों माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, और किस नंबर को डिवाइड करें वन से तो 36 आ जाएगा, 36 होगा, क्लियर है, ये पूरा बन जाएगा। उसका लिखना है राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स तो पता है ना, ट्रू फॉल्स जैसे 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4 क्या होगा फटाफट बोलो, ये लिखा हुआ है 0, सही की गलत, 0 को माइनस 4 से डिवाइड किए 0 होगा, ट्रू की फॉल्स ट्रू क्योंकि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करने 0 होगा, माइनस 8 को डिवाइड किए 1 से 8 आएगा, ट्रू की फॉल्स फॉल्स, यहाँ माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस क्या ना, यहाँ पर 8 दिया है मतलब ये फॉल्स है, क्लियर। माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू 0 फॉल्स, दुनिया का कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, कभी भी 0 से मतलब 0 को तुम डिवाइड किसी से कर सकती हो, तो जैसे कि 0/6 तुम लिख सकती हो, ये 0 हो जाएगा, 0/7 लिखोगी 0 हो जाएगा, लेकिन 7/0 नॉट डिफाइंड, ये नहीं डिफाइंड होता, तो ये फॉल्स है, क्लियर। उसी तरीके से अगर -5 डिवाइडेड बाय -1 यहाँ लिखा हुआ -5, सही कि गलत, -5 को -1 से डिवाइड किए -5 आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो पहले तो साइन यहाँ प्लस होना चाहिए इसलिए फॉल्स है। तो एक्सरसाइज 1C तुम लोग को बनाने हैं, बनाकर दिखाइए तुम तो?